वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। दोस्तों, आज हम लोग पॉजिटिव ब्रेकआउट के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी स्टॉक पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं वो फिर आगे कंफर्टेबली चलते हैं। ये नए कोर्सेज आप वेबसाइट के होम पेज पे देख सकते हैं, जो फेस्टिव सीजन का ऑफर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव ब्रेकआउट moneycontrol.com में ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव ब्रेकआउट में देख रहे हैं 30 DMA, 50 DMA, 150 DMA, 200 DMA। तो पॉजिटिव ब्रेकआउट क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक अपने रेंज में है, तो रेंज में सपोज़ कोई स्टॉक 200 से 240 तक चला, अब उसके बाद वो 250, 260 तत्काल नहीं हो जाएगा, वो 220 से 240 के बीच में घूमने लगेगा अगले 5-6 दिनों के लिए। तो जब वो ऊपर के लेवल को तोड़े तो पॉजिटिव ब्रेकआउट, और नीचे के लेवल को तोड़ के गिरने लगे, जैसे 220 को तोड़ के 200 हो जाए तो नेगेटिव ब्रेकआउट, 240 को तोड़ के वापस आगे चलने लगे तो फिर वो सीधा 250, 260, 270 जाएगा। तो ये ब्रेकआउट को नापने का सबसे बड़ा तरीका है 30 डेज़ का मूविंग एवरेज, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 150 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? हर दिन की क्लोजिंग प्राइस को प्लस करके उतने दिनों से डिवाइड करें तो एवरेज निकल आता है। जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख का अगर मैंने क्लोजिंग प्राइस प्लस किया और 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक एवरेज आया। पर ये मूविंग एवरेज क्यों कहला रहा है? क्योंकि बाद में हमने एक को हटा के 4 तारीख ले ली, तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, ऐसे करके टाइम फ्रेम शिफ्ट होती चली जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है मूविंग एवरेज। अब 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर तोड़ा है तो एक छोटा सा ब्रेकआउट है जिसमें छोटा प्रॉफिट मिलेगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है तो लंबे समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए स्टॉक ऊपर बना रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे देखना है इसको। ये देखिए, इतने स्टॉक है जिन्होंने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया। DCM श्रीराम, धामपुर शुगर, बेदमुथा इंडस्ट्री, टाटा स्टील, पेट्रोनेट, जिंदल पोली फिल्म, अल्केम लैब, श्री सीमेंट और बायर क्रॉप साइंसेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक पे फोकस करें तो नीचे वाले 3 हैं, अल्केम, श्री और बायर। अब इनका वॉल्यूम कम होता है क्योंकि इतनी बड़ी प्राइस वाले शेयर में कम लोग ट्रेड करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज़ें हैं। सपोज़ मुझे पता लगा कि श्री सीमेंट अब परफॉर्म कर रहा है, तो श्री सीमेंट का मैं यहाँ पे देखूँ 30 दिन का मूविंग एवरेज 17,793 है, इससे तो ये अभी नीचे है। 17,456 है, इससे भी ये नीचे है। 16,808 है, इससे ये ऊपर है अभी CMP जो देख रहे हैं, क्योंकि CMP है 17,112 और 17,076 200 दिन का मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर ये चल रहा है 17,112। अगर ये 30 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, इसका मतलब ये लग रहा है कि कई दिनों से गिरावट थी, अब पलट के ऊपर चलना शुरू किया है। अब अगर श्री सीमेंट को आप उठा के रखते हैं तो आने वाले एक हफ्ते में ये आपको 3-4% दे सकता है। अब 17,000 का शेयर है, 1% 170 रुपया होगा, तो 3% का मतलब होगा 500 रुपया। तो आपने अगर 10 शेयर भी खरीद लिए तो 5,000 रुपया आप कमा लेंगे। वैसे ये ध्यान रखें कि 10 शेयर खरीदने के लिए 1,70,000 रुपये एंगेज होता है, लेकिन 1,70,000 रुपये अगर एक हफ्ते में कोई 5,000 कमा ले तो परसेंटेज में आपको गिनना है कि आपको क्या परसेंट मिला। तो एक हफ्ते में अगर मुझे 3% मिल जाए तो मंथली रिटर्न क्या कहलाएगा? 12%। तो साल का रिटर्न क्या कहलाएगा? 144%, 144%। ऐसे गिना जाता है कि कोई प्रॉफिट काफ़ी है या नहीं है। ऐसे अब बायर क्रॉप साइंसेस को देखें, हम 4,369 चल रहा है, 30 डे का मूविंग एवरेज 4,294, 4,364, 150 का 4,378 है, इसको क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज को तो अभी क्रॉस किया है, 4,369.25 है और यहाँ 5,5 है। तो जब भी 200 दिन का मूविंग एवरेज रिसेंटली क्रॉस किया हो तो फिर आप उसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो अब इसकी डिटेल अगर हमको देखनी है तो हम यहीं से क्लिक कर लें, तो मनी कंट्रोल का डिटेल लिंक यहाँ सामने आ जाएगा। ये पूछता है हमेशा आपसे कि ऐप में देखना है या क्रोम में देखना है। क्रोम जस्ट वंस किया हमने,
जस्ट वंस आपके सामने चार्ट आ जाएगा। चार्ट में हम देखेंगे कि बायर क्रॉप साइंस का सीन क्या है। ये देखिए बिट प्राइस आस्क प्राइस बता रहा है, बिट क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी 170.27 है और बिट क्वांटिटी ऑफर क्वांटिटी देख के लग रहा है कि इसका वॉल्यूम काफ़ी कम है। अब हमको देखना है इसका 52 हफ्तों का हाई क्या है, 4800 का है। 52 हफ्तों का लो क्या है, 3686 है। अब इसका चार्ट देखने चलते हैं। तो इस तरह की लाइंस जब आपको दिखे स्ट्रेट लाइन टाइप, तो ये समझ लेना कि ये इसमें वॉल्यूम कम है। तो हम एक साल का अगर चार्ट खोल के देखें तो हमको पता लगेगा कि इसके मूवमेंट कैसे रहते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखना है आपको कि जो काउंटर ऐसा हो जिसमें वॉल्यूम नहीं होता वो इलिक्विड काउंटर होता है। इलिक्विड काउंटर में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया था अक्टूबर 18 को और यहाँ पे 3800 से 4700 हो गया था जनवरी में, 3 महीने बाद। जनवरी में जब ये हाई बनाया तो ये वापस लो कहाँ आ गया, मार्च 5 से वापस भागा तो अप्रैल 30 तक ऊपर चला गया। फिर इसने लो कहाँ बनाया, 4400 तक का लो आया मई 7 को। अप्रैल के बाद मई में नीचे चला गया और वापस जून 4 पे 4750 बना दिया। अब ये लो बनाया इसने 4094 का और अब ये ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर रहा है। तो अगर इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है तो वहाँ चांसेस बनते हैं कि हम लोग उसमें अपनी पोजीशन बनाएं। तो आपको लंबे समय ये 5000 हो जाएगा, 5200 हो जाएगा, ये तो पक्का नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में कुछ मूवमेंट पॉजिटिव दे देगा, इसके चांसेस तो बनते ही हैं। 2 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज और ईए में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको देख के आपको काम करना है। ऐसे ही आप यहाँ नीचे देखें, इसके फंडामेंटल मार्केट कैपिटल 15,000 करोड़ की कंपनी, EPS 97 है, बुक वैल्यू 518 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 8.44 है, इंडस्ट्री का PE 40 का है, डिलीवरेबल्स 65% है, डिविडेंड इतना देता है, फेस वैल्यू 10 की है। और इसमें जो साई यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है रिजल्ट के बारे में, तो 26 जुलाई को जो रिजल्ट आया था उसमें बायर क्रॉप साइंस Q1 प्रॉफिट अप 32%, 8 रुपीज़ 147 करोड़। तो इसके पहले वाले क्वार्टर में तो नुकसान हुआ था और इस क्वार्टर में फ़ायदा हुआ, आप दोनों न्यूज़ यहाँ साथ के साथ देख सकते हैं। तो आपको ये पता भी लगेगा कि क्वार्टर का रिज़ल्ट ख़राब आने से अगले क्वार्टर में क्या हुआ। तो मई में जब रिज़ल्ट ख़राब आया था तो आप कंफर्म कर लीजिए कि मई में रिज़ल्ट ख़राब आने के बाद ये नीचे गया क्या, ये अप्रैल है और ये मई है, मई में ये नीचे रहा, उसके बाद में फिर रिकवर करके ऊपर चला गया। अब इसका मैक्स चार्ट देख लेंगे 5 साल का, तो हमको और ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई ये कैसा चलता चला आ रहा है। तो इसमें कोई ख़ास घबराने की बात नहीं है, इतने सालों की तेजी मंदी में हमेशा ही ऊपर मेंटेन करता रहा है। तो ये था पॉजिटिव ब्रेकआउट, ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट है नेगेटिव ब्रेकआउट। जब पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए आप सौदे लगा रहे हैं तो नेगेटिव ब्रेकआउट को भी साथ के साथ देखें, उसमें भी ऑर्डर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिव ब्रेकआउट अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसमें बड़ी गिरावट आ रही है, तो नेगेटिव ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को बहुत मौके मिलेंगे। तो आप के कोई सही नेगेटिव ब्रेकआउट पकड़ में आ गया तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 200 दिन के मूविंग एवरेज को फोकस कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 डे दिखा रहा था, अब हम 200 दिन के मूविंग एवरेज को फोकस कर रहे हैं। कौन से स्टॉक ऐसे जिन्होंने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जो स्टॉक है वो हर एक जंप के बाद बार बार नीचे जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो इतनी कमज़ोर हो रही है। वर्लपूल दिख रहा है आपको, फोसेको, VST, इंडस्विप लैब, अपोलो हॉस्पिटल,
UPL, अडानी ट्रांसमिशन, मनाली पेट्रो, HDFC, खादिम इंडिया, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, बजाज क्रॉक कॉर्प, गांधी स्पेशल ट्यूब, IMPS, इकरा, यूनाइटेड नीलगिरी। अब इसमें हम ये देखने की कोशिश करें ऐसे स्टॉक जो अपने साल भर के लो के करीब हो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे अडानी ट्रांसमिशन है, इसमें पीछे हमने काफ़ी गिरावट देखी थी तो हम यहाँ देखना चाहते हैं ये ओपन विथ क्रोम किया हमने जस्ट वंस, चार्ट सामने आ जाएगा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक ऐसा मिले कि जो साल भर के लो के करीब हो और उसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटा हो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, उसको आप आराम से सेल कीजिए। एक साल का चार्ट देखते हैं हम, अगर हमको ऐसा दिखता है कि ये गिर के नीचे ही गया है तो इसमें अच्छी गिरावट हो सकती है। ये देखिए साल भर के लो के करीब तो नहीं है, साल भर का लो तो 120 का बना था, लेकिन हाँ इसमें अच्छी गिरावट आई थी और फिर हाइप बना के वहाँ टिक नहीं पाया, नीचे आ गया है। तो चांसेस बनते हैं कि इसमें सेलिंग ठीक रहेगी, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे हम। 5 साल के चार्ट में ये देख लो कि ओवरऑल सीन कैसा है, तो ओवरऑल सीन ज़्यादा बुरा नहीं है, वो लगातार ग्रो करके मेंटेन करने वाला स्टॉक है। अब बेक करके हम दूसरा कोई स्टॉक देखें जो हमको ऐसे नज़र आए कि अपने साल भर के लो के करीब हो तो उसको बेचना आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। अभी गांधी स्पेशल ट्यूब है, अगर कमज़ोर शेयर को आपने सेल करके रखा तो लगातार गिरता चला जाएगा। तो ये चीज़ें हम आपके सामने बार बार इसलिए कर रहे हैं कि लोग जान तो लेते हैं क्या करना है, लेकिन कैसे करना है, कितनी बार करना है, उसकी अगर फेमिलियरिटी नहीं आई तो हम काम नहीं कर पाते। अब देखिए 52 हफ्तों का लो है 296 और 443 का हाई है, तो आप देख रहे हैं ज़्यादा करीब ये लो के है। तो ऐसे स्टॉक को अगर शॉर्ट सेल करेंगे तो चांसेस बनते हैं कि वो नीचे मेंटेन करे, नीचे चला जाए तेज़ी से। तो कमज़ोर शेयर को आपको बेचना है, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये स्टॉक नज़र में तो रख लीजिए लेकिन अल्टीमेटली बेचे कब। ये देखो 5 साल से तो ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है लेकिन पिछले 6 मंथ में ये नीचे आया होगा। तो ये देखिए पहले यहाँ से सीधा गिर के ये नीचे आया और क्या लो बना दिया, ये लो बना दिया था। इसके पहले बहुत ऊंचाई थी, तो ऐसे गिरावट और आपको वोलेटिलिटी नज़र आ रही है ऐसे शेयर में, तो वोलेटाइल शेयर बेचने के लिए अच्छे हैं। लेकिन शॉर्ट सेल करें तो स्टॉप लॉस बराबर रखिएगा, क्योंकि जितना बड़ा नुकसान शॉर्ट सेलिंग में होता है उतना किसी और चीज़ में नहीं होता। आपने ख़रीद रखा है तो आप सोच सकते हो चलो नुकसान है तो इसको रख लेता हूँ, आगे कभी बेच लूँगा, वैसे वो सही नहीं है। हम सजेस्ट नहीं करते कि इंट्राडे को आप डिलीवरी बना लें, लेकिन फिर भी रास्ता तो खुला है। यहाँ तो ऐसा है कि अगर आपने शॉर्ट कर दिया और आज कितना भी नुकसान हो रहा है आपको बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ऑक्शन में चला जाएगा और ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। अगर आप 5,000 के नुकसान से डर रहे हैं तो ऑक्शन में चला गया तो 8,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, साइट पे आइए। आज हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेकआउट, उसका इस्तेमाल कैसा करना है, ये डेमो हमने आपको बताया सिस्टमेटिक। साइट पे जाइए, सारे कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाएगी। ये ऑफ़र चल रहा है, 3 वीडियो कोर्स अगर 12,000 में आपने लिए तो आपको 10,000 रुपये का टिप 30 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो 30 डेज़ के लिए अगर कोई काम करे तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 15,000 से 20,000 रुपये रिकवर कर ले और सीख भी ले हमेशा के लिए। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा, अदरवाइज़ 55,000 6 मंथ का कोर्स तो है ही। तो यहीं पे अकाउंट नंबर दिए हैं, आप डिपॉज़िट करके अपना डिटेल भेजेंगे तो सेम डे आपको कोर्स डिलीवर हो जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में एक्सिस और ICICI बैंक के करंट अकाउंट नंबर दिए हैं जिनको आप देख के पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और NEFT भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो वॉच करने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब लोगों को शुक्रिया
कि हम 10 मिलियन व्यूअर्स से आगे जा पाए और 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।